हेलो डियर एलगे फैमिली, ना वी गेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी जर्मन को पॉलिश कर सकते हैं विद द यूज ऑफ थ्रेन बागे उंट उन थ्रेन बागे व्याबन। और मजे की बात यह है कि इस वीडियो में हम रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सब में देखेंगे इन्हीं दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स का यूज। जो लोस गेट्स। हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल्स से कि किस तरह से हम इन दो तरह के वर्ब्स में फर्क कर सकते हैं। पहली एग्जाम्पल है टू बिकॉम्स्ट माइनन बगीफ मॉर्गन फॉर्मिटाग। तुम पा लोगे मेरा खत कल बिफोर मिड डे। और इसमें कौन सा वर्ब उंट खैनबा है, वो है ये। इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म देख लेते हैं जो कि है बिकॉमन, जिसका मतलब हुआ टू रिसीव। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। डेयर सूग कॉम्ट उम स्वल्फ उअ इन हैम्बर्ग अन। ट्रेन आ रही है 12 बजे हैम्बर्ग में। आपने नोट किया होगा कि जो प्रीफिक्स था वो टूट कर एंड पे चला गया है, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। अब हम इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म देख लेते हैं जो कि है अनकॉमन। अनकॉमन और कॉमन में फर्क ये है कि कॉमन का मतलब होता है आना और अनकॉमन का मतलब होता है आमद होना। टू अराइव, टू कम और टू अराइव में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए जब हम अनकॉमन यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो इसका जो पहला हिस्सा है वो टूट कर एंड पे चला जाता है। और इस बात का आपने ध्यान रखना होता है जब भी आप इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब मैं आपको आसवाई लेवल में कॉमनली यूज होने वाले उन थ्रेन बागे और थ्रेन बागे व्याबन की लिस्ट देने लगी हूं। फर्स्टेन समझना, फकाउफन बेचना, फर्स्टप्रेशन वादा करना। बेस्टेन के बहुत से मीनिंग्स हैं, उनमें से एक है पास कर लेना कोई इम्तिहान वगैरह। बित्सालन अदा करना पैसे। बेजिट्सन होता है मलकियत होना, कोई चीज अगर आपकी है आप ओन करते हैं उसको, तो उसके लिए आप बेजिट्सन यूज करते हैं। एक्लेगन समझाना, और एहाल्टन भी होता है पा लेना, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था। बेकॉमन और एहाल्टन इन दोनों का मतलब सेम है। एम्फेलन रिकमेंड करना, एम्फांगन हासिल करना, हिंटरलासन छोड़ना जैसे कि कोई पैगाम, गेफालन पसंद होना, गेहोगन मलकियत होना, एंटटेकन दरियाफ्त करना, टू डिस्कवर। मिसलिंगन होता है फेल हो जाना, और सबगेशन होता है टूट जाना। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि ब्रेशन जो वर्ब है उसका मतलब भी है टूट जाना, लेकिन सबगेशन जब लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाता है टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाना। Aufstehen खड़े हो जाना, उठ जाना, जैसे कि अगर आप सिंपल स्टेन देखें तो उसका होता है मतलब खड़ा होना, लेकिन Aufstehen का मतलब है आप बैठी हुई या लेटी हुई पोजीशन में थे, उससे जब आप उठ जाएं तो आप Aufstehen का यूज करेंगे। उसके बाद है Absagen कैंसिल करना, Zusagen एक्सेप्ट करना। Anmachen और Ausmachen एक दूसरे का ऑपोजिट है। Anmachen है टू पुट ऑन, यानी लाइट हो गया, कैंडल हो गया, हीटिंग आपके अप्लायंस हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो उनको ऑन करना आपने अनमाखन करना है, और उनको ऑफ करना पुट ऑफ उसको कहेंगे आप आउसमाखन। नाक्सप्रेशन कहते हैं टू रिपीट, कोई चीज बोली जा रही है उसके पीछे पीछे आप रिपीट करते जाएं तो उसको कहते हैं नाक्सप्रेशन। इसी तरह औफ माखन और सू माखन भी ऑपोजिट हैं। औफ माखन है खोलना और सू माखन है बंद करना। खिड़की दरवाजे या किताब के लिए ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। आखिरी सेट हमारे पास ट्रेन बागेस व्याबन का है। सुरुक फागन वापस ड्राइव करना, आइन शाल्टन एक्टिवेट करना जैसे कि सिम, आउश शाल्टन उसका ऑपोजिट है यानी डीएक्टिवेट करना, और फ्राई शाल्टन और आइन शाल्टन के मीनिंग सेम है, एक्टिवेट करना इनेबल करना एक्सेट्रा। मिट माखन कहते हैं पार्टिसिपेट करना, कोई काम किसी के साथ करना। फुआ बाय कॉमन टू कम अराउंड, होख लादन कहते हैं अपलोड करना। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज में वर्ब डाउनलोड करने का आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट है जी फेस्ट लेगन, जिसका मतलब है फिक्स करना, सेट करना। जो वर्ब्स अभी हमने किए हैं ये उनका कंप्लीट वर्जन है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि कुछ को मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किया है और कलर्स दिए हैं।
असल में मैंने सिर्फ उनको किया है जो कि एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि इनको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं फोआ जिल्बे, और फोआ जिल्बे ये होता है कि उन्टगेन बागेस व्याबन में टूट कर नहीं कहीं भी जाते बल्कि वर्ब के साथ ही रहते हैं, और जो फोआ जिल्बे थैन बागेस व्याबन में होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर रेड के साथ मार्क किए हैं, वो जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के एंड में चले जाया करेंगे। अब आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इनको एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से फुआ जिल्बे हैं जो कि हमेशा थैन बा रहेंगे और कौन कौन से हैं जो कि हमेशा उन थैन बा रहेंगे। अब हम एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर में हम बहुत सारे उन्टगेन बागे और टगेन बागे व्याबन यूज करेंगे। आप सोचेंगे कि पहले मैंने इतनी लंबी लिस्ट दी है, उसमें भी थे ये दोनों टाइप्स, अब एक लेटर भी लिखना है, तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा लेटर लिखने को तो आप इस वीडियो के पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट रीडिंग या लिसनिंग पर जा सकते हैं। हेलो लेना, इश हाबे येट्स्ट डाइनन बगीफ ए हाल्टन, मुझे अभी ही तुम्हारा लेटर मिला है। इश फश्ते वास टू माइंस्ट, मैं समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। होइट्स टागे श्टे इश फ्रू आउफ, आजकल मैं जल्दी उठ रही हूँ। टू हास्ट मिया एम्फोलन उन्ट इश जागे दिया सू, तुमने मुझे सजेस्ट किया है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो सजेशन उसने दी थी उनको। इश श्प्रेशे माइने उबुंगन नाख, मैं अपनी एक्सरसाइजेस रिपीट करती हूँ। आई थिंक ये लिसनिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रही है कि उनको सुनती है और उसके बाद बोल बोल कर प्रैक्टिस करती है। डी अंडरगन आउफगाबन माखे इश आउख मिट, और दूसरी टास्क भी मैं साथ में करती हूँ। डी नाखरिश्तन सुफस्टेन फिंडे इश बेजोंडस श्वेया, खबरों को समझना मुझे खास तौर पर मुश्किल लगता है। इश शाल्टे दस गाडियो आइन, मैं रेडियो ऑन करती हूँ। आबा दस फिंडे इश लैंग्वेलिश, लेकिन मुझे वो बोर लगता है। उन्दान शाल्टे इश दस गाडियो वीडा आउस, तो फिर मैं फिर से रेडियो बंद कर देती हूँ। सागमाल वन कॉम्स टू फो बाय, बताओ तुम कब मेरे यहाँ आ रही हो। इश मोश्टे मिट दिया डॉयच यूबन, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ जर्मन प्रैक्टिस करना। Und die B1-Prüfung mit guten Noten bestehen, और B1 एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना। Sag bitte auch, fährst du am selben Tag zurück? ये भी बताओ प्लीज कि क्या तुम उसी दिन वापस चली जाओगी। Liebe Grüße, Sarah। इस लेटर में भी मैंने आपको काफी वैरायटी दी है इन दोनों कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स को यूज़ करके। कुछ जगह पर यहाँ पर परफेक्ट में यूज़ किया गया है, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंस में। अब आपके लिए फ़नी टास्क ये है कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके लिस्ट करिए कमेंट सेक्शन में कि इस लेटर में कितने वर्ब्स उन थैन बा थे और कितने थैन बा। अब हम देखेंगे एक रिटन टेक्स्ट में किस तरह से इन दोनों टाइप्स ऑफ वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और ये पार्ट आपको मदद करेगा रीडिंग में। Ein Jahr ist vergangen, एक साल गुजर चुका है। याक und Lisa wollten wieder gemeinsam etwas in den Ferien unternehmen. Jack और Lisa चाहते हैं फिर से इकट्ठे कुछ छुट्टियों में करना। Unternehmen यहाँ पर as a verb use किया गया है जिसका मतलब है to undertake, लेकिन अगर u capital के साथ unternehmen हो तो उसका मतलब हो जाता है company, corporation, enterprise वगैरह। Leider hat Jack aber kurzfristig abgesagt. Unfortunately, Jack ne lekin last minute mein cancel kar diya hai. Lisa überlegt. Lisa soch rahi hai, welche Freunde sie sonst fragen kann. Kaun se doston ko wo iske ilawa pooch sakti hai. Die mit ihr in den Urlaub fahren wollen. Jo ke uske saath chhuttiyon mein travel karna chahte hain. Sie denkt nach, वो सोच रही है, wer ihr versprechen kann, कौन उसको प्रॉमिस कर सकता है, auf jeden Fall dabei zu sein, हर हाल में उसके साथ होने का। यहाँ पर आपने देखा कि nach denken और überlegen दोनों का मतलब to think है, to consider, to ponder, etc.
फिर से आपको रिमाइंड कराती चलूं कि उंट गन बागे व्याबन में फुआ सिल्बे टूटते नहीं हैं, बल्कि वर्ब्स के साथ ही सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। और ट्रकन बागे व्याबन टूट जाते हैं और उनके फोआ जिल्बे सेंटेंसेस में एंड पे चले जाते हैं, जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा, नाख टैंकन मेन वर्ब है और अगर वो परफेक्ट में हो तो फिर वो टूटते नहीं और इकट्ठे रहते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। तो उसमें फोआ जिल्बे पहले आता है और उसके बाद परफेक्ट फॉर्म लगती है। अब टाइम है जी आपके लिए एक अच्छी सी लिसनिंग टास्क का, और आपने इस ऑडियो को सुनकर ढूंढने हैं ट्रेन बागे और उन ट्रेन बागे व्याबन। Ich wünsche euch viel Glück. Ich versuche, möglichst wenig Elektrizität zu verbrauchen. Das ist nicht so leicht, wenn man viele elektrische Geräte hat. Ich habe einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine, einen Elektroherd, den Fernseher, eine Kaffeemaschine, und noch viele andere Geräte. Und auch zwei Kinder. Die verbrauchen zwar keine Energie, aber sie schalten sofort ihren Computer ein, wenn sie aus der Schule heimkommen. Ja, aap ek baar sunne se identify kar paaye hain ki kaun-kaun se verbs isme use hue the? Agar haan to mere saath apne answers zarur comment section mein share kare. Agar nahi samajh aayi to koi masla nahi, aap dobara bhi audio play karke sun sakte hain. Chale, aapko ek hint deti chalti hoon. कि जो दोनों ठैन बागे और उन ठैन बागे व्याबन है ना, इस ऑडियो में वो दो दो यूज हुए हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी और इसने आपकी हेल्प की होगी। अगर हाँ तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियोस और चैनल को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पिस्तान।